सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले बीजेमआर की न्यू बैलेंस कॉन्सेप्ट एडिटिंग। आप किस तरह से इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं अपने ब्लॉग में से, तो आज इस वीडियो में इसी एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए बिना स्किप किए। और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं उस बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही उस बेल के आइकन को दबा दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और इसे हम सेंड कर देंगे पिक्सार टैप में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ इसे पिक्सार टैप में। तो दोस्तों पिक्सार में आने के बाद हम इस बैकग्राउंड को शायद इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ से आपको चले जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर नजर आ रहा हूँ रिसाइज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से सबसे बड़ा नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ 5000, तो यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा और देखते हैं स्क्रीन पर क्या शो होता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर 2252 शो हो रहा है, तो हम वही नंबर दोबारा डाल लेंगे। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैकग्राउंड को शायद इंक्रीज हो चुका है। और इस पर ऐड करेंगे अपने क्रॉप के मॉडल को। मैंने अपनी पिक को ऑलरेडी क्रॉप करके रखा है, अगर आपको क्रॉप पड़ते नहीं आता इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से मैं ऐड फोटो ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा। दोस्तों फोटो ऐड करने वाले आपको यहाँ पर रिसर्च करना है, तो यहाँ से मैं रिसर्च कर लूँगा और आपको यहाँ पर ब्रोकन ग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से लगा दूँगा और लगाने आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तो यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। दोस्तों इतना करने आपको दोबारा वही मॉडल को ऐड कर लेना है, तो यहाँ से मैं फिर से ऐड कर लूँगा। इसे हम शैडो के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ से मैं चलाता हूँ ऐड फोटो ऑप्शन में और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर लिया, इसे हम रिसर्च करेंगे। आपको सेम साइज यहाँ पर रिसर्च करना है जो पहले वाली थी, इसे हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर पलट देंगे। उस मॉडल नीचे ले जाने आपको यहाँ पर चले जाने ऑप्शन ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। हम ऑप्शन को थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारे जो मॉडल ऐसा लगे उसकी शैडो हो, तो इस तरह से मैं लो कर दूँगा। और लो करने आपको यहाँ पर चले जाना इरेजर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। इरेजर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है, इस तरह से मैं हटा दूँगा और हटाने आपको यहाँ पर टिक कर देना, तो यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। दोस्तों इतना करने हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम चले जाते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। दोस्तों इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर चले जाना फिल्टर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ढेर सारे फिल्टर नजर आ रहे होंगे, और आपके पिक्सार में सारे सारे फिल्टर नहीं आते, इस पर मैंने वीडियो बनाया है पिक्सार अनलॉक जोर नाम से, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा मिल टू का इफेक्ट, तो यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर अप्लाई करने आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फेड ऑप्शन बढ़ा देना है, तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूँगा, करीब 50 कर दूँगा। और 50 करने आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तो यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। दोस्तों इससे हमारी एडिटिंग कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप ऐसी वीडियो से मिस ना हो पाए। तो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।